हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले एक लिप कलर्स की, जो एक ऐसे लिप कलर्स की हम बात करने वाले हैं आज जिसकी हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। बिकॉज जब भी हम एक लिप कलर यूज करते हैं तो हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है कि लाइट वेट हो, प्रॉपरली उसकी शेड हमें फुल फिनिश मिले, लाइट वेट मिले, लाइनिंग ना आए और पापड़ी ना बने। और हम हमेशा ऐसे ही लिप कलर्स के सर्च में रहते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले ऐसे लिप कलर्स का, आपको कम्प्लीटली रिव्यू देने वाले हैं, शेड के नंबर के साथ आपको हर चीज हम कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। आज आपको स्टेप बाय स्टेप हम कम्प्लीट बताएंगे हमें लिपस्टिक का कौन सा नंबर आज हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं और कौन सी शेड आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। कम्प्लीटली आज इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एक रियल रिव्यू करने वाले हैं एक ब्रांड का, जिसकी हम बात करें। जैसे ही आपने थंबनेल चेकआउट कर लिया होगा, हम आज CV3 ब्रांड की बात करने वाले हैं। अगर हम CV3 की फुल फॉर्म बोले, चार्म लॉन्ग ब्यूटी, मतलब एक ऐसी ब्यूटी जो आपकी ब्यूटी को और ज्यादा एनहेंस करती है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम खुद रियल रिव्यू करने वाले हैं इस ब्रांड का। आप चेकआउट कर सकते हो, वन बाय वन आपको शेड के बारे में हम रिव्यू देंगे आज प्रॉपरली। जितने भी शेड अवेलेबल है, वैसे इसके अंदर 22 शेड्स आती हैं, बट मे बी होप सो शायद हमारे पास एक से दो शेड शॉर्ट है अभी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट जितनी हमारे पास शेड अवेलेबल है आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं कम्प्लीटली। स्टेप बाय स्टेप अब आपको अपनी नई वीडियोज के अंदर लेके चलते हैं। चलिए नई वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। अब हम अगर हम बात करें अपने फर्स्ट शेड की, अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट शेड की, फर्स्ट शेड आती है हमारी 03, नाम है रेड फ्यूसिया। इसकी बहुत अल्टीमेट शेड है, ये बहुत अल्टीमेट सा शेड, आप स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हो। बहुत ग्रेसफुल शेड है इसका, ये बहुत प्यारी शेड है। एक स्ट्रॉबेरी सी शेड भी हमें फील देती है, रेडिश की शेड भी फील देती है ये। सेकेंड शेड आता है हमारा 04, ब्रेव रेड शेड आता है, जो बहुत ही ग्रेसफुल शेड है, एक ब्राइटर शेड है। अगर हम इस शेड की रिव्यू की बात करें, ये आती है 04 की ग्रेस, जो बहुत ही ग्रेसफुल है। 3 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत प्यारी शेड है। और सबसे बड़ी बात है इस लिपस्टिक की, इसके अंदर कोई भी लाइनिंग या कोई भी पापड़ी नहीं बनती, एक स्मज प्रूफ शेड्स हैं। आप स्क्रीन में जैसे ही चेकआउट कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बहुत प्यारी शेड है। देखो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन, ये हमारी 03 और 04 शेड है। ये हमारी है 05, जो आती है रफ रेड, मतलब हल्का सा मरूनिश टच भी होना चाहिए इस शेड के अंदर और रेडिश टोन भी होनी चाहिए। बहुत ग्रेसफुल शेड आती है, जिस शेड का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये हमारी 05 शेड, आप चेकआउट कर सकते हो इसका रिव्यू भी। ये है 05 शेड का रिव्यू, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन में अपनी। 05 का आप देख सकते हो, बहुत प्यारी शेड है। और सबसे बड़ी बात, शेड के अंदर लगाना आपका वन शॉट के अंदर आपको पूरी क्लियर शेड आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 3 से 4 बार टचअप देना पड़ता है लिपस्टिक में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत प्यारी शेड है, आप स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हो 05 शेड भी। अब हम बात कर रहे हैं 06 शेड की, जो आता है वैलेंटाइन रेड, जो प्रॉपर एक ब्लड रेड शेड भी आता है और बहुत प्यारा सा शेड हमें डिलीवर करता है। और इस लिपस्टिक की सबसे खास बात क्या है कि बहुत सॉफ्ट है लगाने में और बिल्कुल लाइट वेट है, लाइनिंग नहीं आती, पापड़ी नहीं आती, बिल्कुल बहुत प्यारी शेड है। आप चेकआउट कर सकते हो इसका रिव्यू भी, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन के अंदर आपके। बहुत प्यारा शेड है, वैलेंटाइन रेड है, मतलब आपको इनके अंदर बहुत मिनिमम सा फर्क दिख रहा होगा, पर बहुत प्यारा शेड है। 006 भी इसका बहुत प्यारा शेड है, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन में। बहुत ग्रेसफुल लगता है, एक वैलेंटाइन शेड, एक रोज सा शेड है, बेस्ट शेड है इसका ये भी। अगर हम बात करें इसके 07 नंबर की, वो आता है इसका चेरी रेड, मतलब एक हल्का सा पिंकी स्टोन भी आएगा, एक स्ट्रॉबेरी सी शेड भी आएगी और रेड स्टोन भी आएगी। बहुत प्यारी शेड है ये भी, इसके आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन के अंदर 07 शेड भी। ये है इसका 07 शेड, देख सकते हो आप, हल्का सा पिंकी स्टोन के ऊपर भी है, क्योंकि चेरी शेड एक हल्की सी पिंकी स्टोन के ऊपर भी आता है, मजेंटा सी शेड भी रहती है और रेड स्टोन भी रहती है। बहुत प्यारा शेड है ये भी, आप चेकआउट कर सकते हो अपनी स्क्रीन के अंदर, बहुत बेस्ट शेड है ये भी। नेक्स्ट शेड आती है हमारी 09, जिसको हम बोलते हैं प्लम शेड। प्लम शेड आप सबको पता ही है कि एक एवर ग्रीन शेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ग्रेस आती है, चाहे आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है चाहे आपका मीडियम कॉम्प्लेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसी शेड है जो हर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर अच्छी लगती है, बेस्ट शेड है। अगर हम इसके रिव्यू की बात करें, 09 का आप कॉम्प्लेक्शन देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये शेड, बहुत ग्रेसफुल शेड है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, बहुत ही ग्रेसफुल शेड है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं।
और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो इसके अंदर कोई डस्टी नहीं है, मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ। लिपस्टिक को बहुत प्यारी शेड है, बहुत अच्छी सी ग्रेस आती है इस लिपस्टिक की, स्क्रीन के अंदर आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छी ग्रेस है इन सारी लिपस्टिक्स की। अगर हम नेक्स्ट शेड की बात करें, नेक्स्ट शेड आता है 11 नंबर, जिसको हम बोलते हैं चिल मेहरून, जिस शेड का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एक शेड है और आजकल तो मेहरून शेड का बहुत ट्रेंड है, आप चेकआउट कर सकते हो इसका रिव्यू भी। चेकआउट कर सकते हो आप स्क्रीन के अंदर, बहुत प्यारा शेड है इसका, मजेंटा मेहरून सा शेड है जो बहुत ही ग्रेसफुल शेड है, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन के अंदर, बहुत प्यारा शेड है इसका। ये लास्ट वाला शेड जो सबसे लास्ट में लगा है अभी, बहुत प्यारा शेड है इसका, चिल मेहरून शेड। नेक्स्ट शेड आता है हमारा जेट मेहरून, जो प्रॉपर मेहरूनी शेड होता है वो शेड है ये जेट मेहरून शेड, आप चेकआउट कर सकते हो इसका रिव्यू। ये वो शेड है जो आजकल हर कोई लगाना चाहता है, इसको ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट और न्यू टू न्यू पर्सन लगाना चाहता है, बहुत ग्रेसफुल शेड है, आप स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट शेड है ये भी इसका, बहुत अल्टीमेट सा शेड है, बहुत प्यारा शेड है, यूज करके ट्राई कर सकते हो इस शेड को भी, बहुत ग्रेसफुल सा शेड है ये। अगर हम बात करें अपने 14 नंबर शेड की, जो आता है प्रेटी पिंक, ये भी एक ग्रेसफुल शेड है और सबसे बड़ी बात एवरग्रीन शेड है, क्योंकि प्रेटी पिंक और मजेंटा पिंक ये बहुत बेस्ट शेड होते हैं, जिसका 14 नंबर है प्रेटी पिंक शेड आप टैली कर सकते हो इसको भी। ये देखिए बहुत ग्रेसफुल शेड है, बहुत प्यारा शेड है, बहुत अच्छा सा हमें ग्रेस देता है लगाने के बाद, फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी और डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा रहा हूँ ये शेड, बहुत प्यारा शेड है इसका ये। अगर हम बात करें अपने 15th नंबर की, ये आता है वाइन शेड, वाइन शेड का ट्रेंड भी इतना ज्यादा है, हद से ज्यादा ट्रेंड के अंदर रहता है वाइन शेड, और वाइन कलर तो बहुत स्मार्ट लगता है हर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, तो वाइन कलर का अगर हम रिव्यू करें इस ब्रांड के अंदर, ये आता है इसका वाइन शेड, ये बहुत प्यारा शेड है इसका, मैरूनिश और वाइन शेड प्रॉपर, बहुत अच्छी सी ग्रेस देता है, बहुत प्यारा शेड है इसका वाइन शेड, लास्ट वाला आप चेकआउट कर सकते हो वाइन शेड, जिसका नंबर है 15, बहुत ग्रेसफुल है। अगर हम अपने नेक्स्ट कलर का रिव्यू करें, वो आता है 16 नंबर, जिसको हम बोलते हैं मैश ब्राउन, मतलब एक लाइट सा ब्राउन न्यूड सा शेड, जिसके ट्रेंडिंग शेड्स गर्ल्स के अंदर सबसे ज्यादा रहती हैं। ये एक ऐसी शेड है, बहुत ग्रेसफुल शेड है, इसका रिव्यू अगर हम करें तो ये है इसका 16 नंबर का रिव्यू, जो बहुत ही ग्रेसफुल है, अगर आप इसको लाइट करना चाहो लाइट भी कर सकते हो बहुत हल्का सा लगाने के बाद, बहुत ग्रेसफुल शेड है इसकी लाइट वाले की, आप चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत प्यारा शेड है इसका ये भी। अगर हम 17 नंबर की शेड की बात करें, 17 आता है बरगंडी शेड, ये भी एक बहुत प्यारा सा और ग्रेसफुल शेड है, आप इसका भी रिव्यू चेकआउट कर सकते हो, जैसे ही हम आपको हर लिपस्टिक का रिव्यू दिखा रहे हैं तो इसकी भी बेस्ट शेड है इसकी भी, आप बरगंडी शेड दे सकते हो, प्रॉपर बरगंडी शेड ही है इसका, क्योंकि कुछ लिपस्टिक ऐसी आती है जिसके अंदर हमें वो शेड नहीं मिलती जिसकी हमें रिक्वायर्ड होती है, ये बहुत प्यारा शेड है इसका बरगंडी शेड, आप टैली कर सकते हो, बहुत ग्रेसफुल शेड है ये भी इसका। अगर हम 19 नंबर की शेड की बात करें, 19 आता है सुलेट्री शेड, ये भी एक ग्रेसफुल शेड है, पिंकी एक डार्क टोन है ये भी, आप चेकआउट कर सकते हो इसका रिव्यू भी। ये है 19 शेड, जो पिंक का ही एक डार्क टोन है, जिसको हम मजेंटा के नाम से भी जानते हैं, सुलेट्री शेड के नाम से आता है, बहुत ही ग्रेसफुल शेड है इस ब्रांड का ये भी, आप चेकआउट कर सकते हो। 18 शेड आती है हमारी ऑरेंज पंच शेड, जैसे ही आप स्क्रीन के अंदर चेकआउट कर रहे होंगे आपको ऑरेंज पंच शेड का अगर हम रिव्यू दिखाएं तो ये है इसका 18 नंबर, जिसको हम ऑरेंज पंच के नाम से जानते हैं, बहुत ग्रेसफुल शेड है, बहुत अल्टीमेट सा शेड, आप टैली कर सकते हो इस शेड को भी। नेक्स्ट शेड की बात करें, नेक्स्ट आता है 20 नंबर, जिसको हम जानते हैं कैरामल के नाम से, अगर हम इस शेड का रिव्यू करें तो ये आती है इसकी कैरामल शेड, जो बहुत ही ग्रेसफुल शेड है गर्ल्स के लिए भी। अगर हम 21 नंबर की बात करें, वो आती है इसकी ब्लश शेड, ये ग्रेसफुल शेड है, पिंक का ही एक बहुत अच्छा सा शेड है, अगर हम इसका रिव्यू करते हैं तो ये है हमारे 21 नंबर का रिव्यू, बहुत ग्रेसफुल रिव्यू है इसका भी, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन के अंदर, बहुत प्यारा शेड है। लास्ट शेड आती है हमारी 22, जिसका नाम है लस्टफुल, ये एक बहुत प्यारा शेड है और बहुत फाइन शेड है, एक मजेंटा की ही टोन है, मतलब पिंकिश की डार्क टोन, जिसको हम मजेंटा के नाम से भी जानते हैं,
इसका अगर हम रिव्यू करें तो इसका अगर हम रिव्यू करें तो बहुत ही प्यारी शेड है, ग्रेसफुल शेड है, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन में, बहुत ग्रेसफुल शेड है इसकी। ये थी हमारी टोटल CV3 के सारे शेड्स। ये जितने भी शेड्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डरी वाइज हमने चलाई हैं, और सबसे बड़ी बात है जितना भी अगर आपको इनमें से कोई शेड समझ आ रही है, अब जिधर से भी हमने कैमरा किया हुआ इधर से फर्स्ट शेड मानी जाएगी, और लास्ट टू हमने ऐसे लास्ट करने के बाद ऊपर से फिर फर्स्ट शेड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ऑर्डनरी नंबर वाइज हमारी हर नंबर का नाम, हर लिपस्टिक का नाम नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए इतना तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने प्रॉपरली नंबर वाइज विथ नेम डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से भी। बहुत ही अल्टीमेट और ग्रेसफुल शेड है। इस लिपस्टिक की मेन बात क्या है, ये थे कम्प्लीट शेड जिसका हमने अभी रिव्यू किया, आपको वन बाय वन आपको शो किया है। हर शेड अपने आप में ही एक ग्रेसफुल शेड है, और सबसे बड़ी बात है ये क्रियोन स्टाइल लिपस्टिक है, मतलब एक पतली स्टिक नहीं है, बिल्कुल पतली भी नहीं और बिल्कुल मोटी भी नहीं है, मतलब एक अच्छी लिपस्टिक है, क्रियोन साइज के अंदर आती है। आप चेकआउट कर रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, बहुत ही प्यारी शेड्स आती हैं इसकी इस टाइप की, और सबसे बड़ी बात लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपी नहीं होती, मैट है, मैट ऐसी नहीं है कि आपके लिप्स खींचे खींचे लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, लिक्विड जैसी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत प्यारे एक शेड्स हैं, आप यूज़ करके ट्राई कर सकते हो इन शेड्स को। ये कंप्लीट शेड आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, हम वाटरप्रूफ का भी देख रहे हैं, ये वाटरप्रूफ होती है। ये थे हमारे हर लिपस्टिक के रिव्यूज, जितने भी आपने स्क्रीन के अंदर चेकआउट किए हैं, हर शेड अपने आप में बेस्ट है। फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए अलग शेड है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए अलग है, और एवरी कॉम्प्लेक्शन के लिए अलग शेड्स हैं। हर लिपस्टिक की अपने आप के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे ही आप स्क्रीन के अंदर चेकआउट कर रहे होंगे कि लिपस्टिक की ग्रेस बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है इस लिपस्टिक की कोई लाइनिंग नहीं आती लिप्स के ऊपर, कोई पापड़ी नहीं बनती, कोई आपके लिप्स चिपचिपे नहीं होते, बिल्कुल एक मैट प्रूफ लिपस्टिक है, बहुत अच्छी सी ग्रेस देता है, हैंड फ्री है। हर लिपस्टिक का आप चेकआउट कर सकते हो, वाटरप्रूफ होने का हम प्रॉपर प्रूफ दे रहे हैं आपको। आप इसके ऊपर वाटर जैसे मर्जी आप गर्म चाय पियो तब भी आपके लिप्स या कप के ऊपर नहीं लगेगी। कुछ लिपस्टिक मैट होती हैं, बट अगर हम कुछ गर्म पीते हैं तो वो उतरनी शुरू हो जाती है अंदर के साइड से, बट इस लिपस्टिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ग्रेसफुल लिपस्टिक है, आप इसको यूज करके ट्राई कर। हर ब्रांड के अंदर टॉप ब्रांड के ऊपर है CV3, बिकॉज इसकी क्वालिटी दी बेस्ट है। कंटेनर, अगर हम कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर के अंदर मिलती है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें, ऑप्सो आप इस लिपस्टिक की प्राइसिंग 400-500 के अराउंड सपोज कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर इस लिपस्टिक की वैल्यू देखें हम, अराउंड 200 की रेंज में है, बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमें डिलीवर करती है। और सबसे बड़ी बात है इसकी शेड एक ऐसी शेड से जो आप पार्टी वेयर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज फुल डे स्टे है, आपको उतरने का बिल्कुल चांस नहीं, आप यूज करके ट्राई कर सकते हो इस लिप कलर को। ये थे हमारे लिप कलर। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को कर सकते हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।